हेलो 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 ब्रिंदा ब्रिंदा, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ। माँ हेलो हेलो माँ हेलो ब्रिंदा माँ हेलो हेलो माँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो एक सेकंड। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? सुन पा रही हूँ मुझे तुम ब्रिंदा? हाँ हाँ माँ, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा। हाँ, आप हो कहाँ पे? ब्रिंदा मैं भाग निकली हूँ ब्रिंदा, वनों के जंगल से, उनके कैद से भाग निकली हूँ बच्चा। क्या माँ, मतलब उसने ना, आप उस गुफा में नहीं थी? कौन सी गुफा ब्रिंदा? ब्रिंदा फिलहाल ये सब बातें रहने दो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। वो सब लोग पीछे पड़े, उस नागमणि के पीछे पड़े। वो लोग नागमणि? माँ सुनाई दे रहा। हाँ नागमणि, वो नागमणि जो बहुत कीमती है, बहुत शक्तिशाली है, उसके बेचने पर बहुत सारे पैसे मिलने वाले, इसीलिए सब लोग उसके पीछे पड़े हैं। वो लोग आ रहे हैं। तुम्हें खतरा है ब्रिंदा, तुम्हें खतरा है। माँ किससे खतरा है मुझे, अब क्या बोल? हेलो 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 ब्रिंदा, सुन पा रही हूँ मुझे? ब्रिंदा उसकी झांसे में मत आना, वो दोस्त नहीं है तुम्हारी, दुश्मन है वो, दुश्मन। वो उसके पास वो चाबी होगी, वो सूर्य। चाबी? सूर्य चाबी? माँ आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, सुन पा रही हूँ तुम मुझे? तुम उसके नजदीक मत जाना, खतरा है तुम्हें उससे। हाँ माँ खतरनाक है, पर किसकी बात कर रही हो आप, किसके बारे में बात कर रही हो? ये सब कुछ हमारे नागवंश के नागमणि के लिए हो रहा है ब्रिंदा, पैसों के लिए हो रहा है, ये षड्यंत्र, ये चाले, ये सब कुछ। आप किधर हो, आप कहाँ हो? मैं ब्रिंदा, मैं ये कान्हेरी पहाड़ के जंगल में हूँ। माँ उसी जंगल में छुपी रहना, मैं आ रही हूँ आपको लेने। हाँ ब्रिंदा तुम जल्दी आ जाओ। और हेलो ब्रिंदा, मेरी बात ध्यान से सुनो, उस विशाखा के सामने बिल्कुल मत जाना, असली दुश्मन वो है, सबसे बड़ा खतरा तुम्हें उससे है। हेलो 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 ब्रिंदा, सुना तुमने मेरे क्या कहा? हेलो ब्रिंदा, हेलो ब्रिंदा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मैं बस आ रही हूँ माँ। हेलो कान्हेरी पहाड़ी के जंगल, ये सब कुछ हमारे नागवंश के नागमणि के लिए हो रहा है ब्रिंदा, पैसों के लिए हो रहा है। क्या कहा था मान्यता माने? नागमणि उन लोगों को नागमणि चाहिए, वो छीनना चाहते हैं, पैसा, पैसों के लिए कर रहे हैं ये सब। बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, उनका इंतजाम करने जा रहा हूँ। चाबी, सूर्य, सूर्य चाबी। ब्रिंदा उसकी झांसे में मत आना। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो सांसें तेज नहीं होती। इसका मतलब इसलिए हुआ है मेरे साथ ही, क्योंकि क्योंकि मुझे मेरी शक्तियों का एहसास ही नहीं है। मैं नहीं नागमणि, इसलिए धोखा खा गए। मेरी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और मैं देख ही नहीं पाई। सही कहा था माँ ने, धोखा खाऊंगी मैं, और खा गई धोखा, दे दिया उस देव ने धोखा, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मगर अब भी देर नहीं हुई है, सबसे पहले बस मैं एक बार अपनी माँ को बचा लूं, इन सब का हिसाब करूंगी, और सबसे पहले उस देव का। हाय, मैं देव पारिक हूं। आई नीड टू मीट मिस्टर पारिक। हाय। हेलो मिस्टर शर्मा, मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करनी थी। श्योर श्योर, प्लीज आइए। थैंक यू। बहुत अच्छे मान्यता, तुम पूरी तरह मेरे जाल में फंस गई हो, और तुम्हारी बेटी भी। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतनी मूर्ख हो। ए, चुप करो, तुम भी कुछ कम नहीं हो।
जल्दी आओ। चेहरे से बाल हटाओ, दिखने लायक बन जाओ थोड़ी। अरे पता है ये बाल तुम्हारा चेहरा सूरज से बचाते हैं। सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ते ही तुम्हारी जादुई शक्तियां कम हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस किसी को बुद्धू बनाना है। अब हटाओगी? क्या हुआ, डर गई? इसे डर नहीं, घिन आना कहते हैं। अब चलो अपने काम पे लग जाओ। बुद्धू बनाने के काम पे? उसमें तो मैं माहिर हूं। तुम बस वृंदा को अपना निशाना बना, तब तक मैं इस मान्यता से निपटती हूं। जाओ अब। अब तक पहुंच क्यों नहीं? फोन करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये फोन बंद कैसे हो सकता है? ये फोन बंद नहीं, बोले ना तो अब मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर पाओगी, जो करना है मैं ही करूंगी। पता है ना क्या करना है? सब कुछ अकेले तुम्हें संभालना है, लेकिन मेरे एक इशारे के बाद जाओ, मान्यता का पीछा करो, जाओ। आज तो तुम कई मान्यता जिसके पीछे विशाखा मौत बन के पड़ी हो, उसे कौन बचाएगा? भगवान करे तुमने मेरी पूरी बात सुन ली हो। उस विशाखा पे भरोसा बिल्कुल मत करना वृंदा, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है, बहुत खतरनाक है वो। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। देखना कि वो विशाखा से बात ना करे, मेरे बारे में कुछ भी ना बोले अपने। अरे मैं ना बोले कि मैं कहा हूँ वो का। वृंदा, विशाखा से बात मत करना, कुछ भी मत बोलना उसे। कानेरी गुफा जमकर, यही तो वो जगह है जहां माँ ने मुझे आने के लिए कहा था, पर माँ कहीं नहीं दिख रही। माँ, 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 माँ ने किसी नंबर से फोन किया था, उसी पे करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। नहीं 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 माँ, मेरी कोई तो मेरी मदद करो, ऐसे तो मैं माँ को ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। माँ, हाँ। माफ करिएगा। होता है, अक्सर ऐसा होता है, खोई हुई चीज इंसान के सामने होती है, फिर भी वो उसे खोजता रहता है। क्यों? तुम भी खोज रही हो, बहुत बेताबी से। अतीत का कोई संकट वर्तमान में आया है। तो तुम्हें कैसे पता? मुझे सबका पता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती, सॉरी। बोलो, क्या कह रही थी? मेरी माँ, हाँ। खूबसूरत लंबे बाल, हाँ। पूरी आंखें, और उन्होंने ना हल्के रंग की साड़ी पहनी है। क्या आपने देखा है उनको यहीं पे? उस तरफ। क्या उस तरफ देखा आपने मेरी माँ को? हाँ, हाँ। जाओ, आपको पक्का पता है आपने वहीं कहीं देखा है? जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। ओके, आरंभ करो।
ये तो मुंडिका का संकेत है, यानी काम शुरू करना पड़ेगा। शक्तियों का इस्तेमाल करके रूप बदल लाएगी। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन अफसोस तुम्हें इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि इनाम तो मुझे मिलेगा, मेरी नागमणि मिलेगी मुझे, जिसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। छोड़ो मुझे, वरना वरना क्या नागिन डांस शुरू कर लोगी? अरे थोड़ी देर रुक जाओ, अपनी बेटी का इंतजार करो, चुकल बंदी में और मजा आएगा। तब तक तुम मेरी चाल का सुन लो, नागमणि को तो मैं हासिल कर ही लूंगी, लेकिन साथ ही साथ लाल टेकड़ी मंदिर के राज को भी जान लूंगी। वो क्या है ना, लाल टेकड़ी मंदिर के राज की कीमत नागमणि से कई ज्यादा है। जल्द ही दोनों मेरे पास पहुंच जाएंगे। सब बिल्कुल नहीं होगा, ना तो वो नागमणि तुम्हारे हाथ आएगी, ना ही वो राज। अरे सासू माँ, तुम देर से जागी, नागमणि तो पहले ही मुझ तक पहुंच चुकी है, मतलब असली देव के पास। अब असली देव से इस देव तक पहुंचने में कितना ही वक्त लगेगा? इतना? नागिन बनने की कोशिश कर रही हो? नहीं हो पा रहा। भूल गई, जब नैन तारा मरी थी तुमने ये सब त्याग दिया था। इच्छाधारी नागिनों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इच्छा शक्ति होती है बेटा, किंतु आज नैन तारा के मरने के बाद उसकी सारी इच्छाएं मर गई हैं। हार मान ली थी तुमने? एक नागिन तो अपने दुश्मन का सामना करती है ना, खतरे को देख के अपने अपने असली रूप में आ जाती है, पर मेरे जकड़ने के बावजूद भी इन्होंने मेरा मुकाबला क्यों नहीं किया? अगर तब तुम्हें पता होता कि ये दिन आने वाला है तो ऐसा कभी नहीं करती है ना, कभी नहीं त्यागती ना सब कुछ। अब तुम्हारी शक्तियां सिर्फ नागमणि को छूते ही आएगी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। क्या हुआ, मंदिर जाने का सोच रही हो? अब तुम बस भगवान तक पहुंचोगी, लाल टेकड़ी मंदिर तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। बिना जहर वाली नागिन कितनी बेबस होती है, हुंकार हुंकार कुछ नहीं मार सकती हो। औकात में रहो इच्छाधारी नागिन, ज्यादा उड़ो मत, रेख यही करना है तुझे और तेरी बेटी को, रेंगना है मेरे पैरों के नीचे। तुम ठीक तो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हाथ हटाओ तुम, आई क्यों आई यहाँ पे? मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्यों मदद करने आई हो तुम? मदद तब की जाती है जब मांगी जाए। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम वृंदा, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई मदद, ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है। भरोसा उठ गया तुम्हारे ऊपर से मेरा, ना ही मुझे अब तुम्हें कुछ बताना है और ना ही तुमसे कुछ पूछना है। तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक ठीक, काम डाउन,
तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना है नहीं करो, लेकिन बस मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना है, तुम्हें ऐसे चली जाओ विशाखा। बस एक बार वो देखो, नंबर तो नजर नहीं आ रहा पर गाड़ी जानी पहचानी है ना। देव, देव की गाड़ी है। पता नहीं वृंदा, मुझे लग रहा है कि देव कुछ बुरा करने के फिराक में है, वरना उसकी गाड़ी इस जंगल में। तुम क्या इस गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ आई हो? तुम्हें पता था वो यहाँ है? बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, उनका इंतजाम करने जा रहा हूँ। वृंदा देखो, अगर देव की गाड़ी यहाँ है तो वो भी यहीं कहीं होगा, तुम प्लीज उसे बच के रहना। थैंक यू, लेकिन मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। हर इस वक्त मुझे कुछ और काम है, मुझे जाना है। वृंदा, ये तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रही है। खैर, अच्छा हुआ कि मैं देव की गाड़ी को यहाँ ले आई, अब बस इस वृंदा को थोड़ा और भड़काना होगा। वृंदा, भले ही तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है फिर भी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। क्या पता कोई मुसीबत आ जाए, और मान्यता मेरी दोस्त है, मैं आ आ तुम्हारी असलियत क्या है क्या नहीं, तुम मेरी माँ की दोस्त हो या नहीं ये तो मैं जान ही लूंगी, लेकिन इस वक्त अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो अपनी जान से जाओगी। वृंदा, मैं तुम्हारा भला, बात खत्म नहीं हुई अभी। मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। इसलिए अब मुझसे बच के रहना तुम। वृंदा, छोड़ो छोड़ो, चुपचाप। सुना तुमने? सुना तुम? तुम्हारी बेटी यही कही है। अफसोस, तुम्हें कहाँ सुनाई देगा, तुम्हारी नागिन शक्तियां कमजोर हो गई हैं, मगर मैं सब सुन सकती हूँ। कोसों दूर का भी वृंदा आ रही है तुम्हारी बेटी, मतलब अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तुम फिर से देव के रूप में आके समझ गई। मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए करो ताकि बाद में देव पर इल्जाम आए, सब लोग उसे दोषी माने हैं ना। सोचो सासू माँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सोचो, लेकिन दौड़ते दौड़ते चलो। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे चोट पहुंचाओगी, शायद तुम मुझे मार भी दोगे, और बाद में वृंदा को यही लगेगा कि देव ने सब कुछ किया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वृंदा, यहाँ मत आना, यहाँ विशाखा। चुप, बिल्कुल चुप। चिल्ला के भी वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वो बेटी एक नवसिखिया नागिन है, उसे पता ही नहीं है कि उसके पास एक शक्ति है जिसे दूरस्थ श्रवण शक्ति कहते हैं, जिससे वो कोसों दूर की बातें सुन सकती है। उसे इस बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो तुम्हें नहीं सुन सकती, समझी? क्या तुम अपनी माँ की आवाज सुन सकती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी माँ मुझसे दूर जरूर है, लेकिन इतनी दूर नहीं है कि मैं उन तक पहुंच ना पाऊं। यही ये आवाज यही कहीं से आ रही है? शायद उत्तर दिशा से आ रही है। हाँ, तो वहां जाने का छोटा रास्ता है, ये यहाँ जंगलों से जल्दी पहुंच जाओगी वृंदा, यहाँ से जाना चाहिए हमें। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी माँ को ढूंढना है, रास्ता छोटा हो या बड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कहीं पर भी ले चलो मुझे, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी वृंदा मुझे ढूंढ कर ही रहेगी, मुझसे पहुंच कर ही रहेगी। जानता हूँ मैं, इसलिए तो अपना रास्ता बदल रहा हूँ ताकि वो मुझ तक पहुंच ही ना पाए। अब चलो। थोड़ी देर की बात है, आप तेरी बेटी को आने दे, फिर तो तुझे मरना ही है।
जाने दो मुझे, जाने दो। वृंदा मेरी बात सुनो, वृंदा, वृंदा। मैंने बोला मेरे पीछे बताओ क्या ना, छोड़ दो मुझे। यही तो मैं भी चाहती हूँ, तुम्हें अकेला छोड़ना, क्योंकि ये मेरी तीसरी चाल का आखिरी दांव है। मैं वहां ऐसे तो नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे अपना रूप बदलना होगा। सीधी तरह लाल टिकरी मंदिर का राज बता दे, वरना आज तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं बताऊंगी मैं राज। मुंह खोल वरना अभी के अभी मार दूंगा। देख आखिरी बार कह रहा हूं, बता दे वरना। वरना क्या, मैं वो राज नहीं बताऊंगी, सुना? मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, सुना तूने? कोई जरूरत नहीं है अब मुझे तेरी, इसलिए अब तुझे मरना होगा। तुझे मरना होगा। मुझे वृंदा को धोखे में रखने के लिए मान्यता से नागमणि लाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा आपको।
थे। मैं जाती हूँ, उस देव ने किया है, उस देव ने आपको मारा, नागमरी के लिए उसने ये सब किया, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। लेकिन इस वक्त मुझे आपको बचाना है, आप चिंता मत करना, ये घाव भर जाएगा माँ, ये खून रुक जाएगा, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगी, ये घाव भर जाएगा, हाँ ये चोट ठीक हो जाएगी। आप माँ सुन रही हो, माँ आगे खोलो प्लीज, आगे खोलो माँ प्लीज, मुझे आप इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जा सकती माँ, आप मेरी जिंदगी में बहुत देर से आई हो माँ, मैं आपको खो नहीं सकती, मैं आपको कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आगे खोलो मैं, आप बस थोड़ी देर रुको, आंखें खोल के रखना, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा माँ, आंखें खोल के रखना। धोखा माँ, मुझे सब पता है, देव ने मुझे धोखा दिया, मैं देख लूंगी उसे, आप कुछ मत बोलो माँ, आप बहुत तकलीफ में हो, आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। शाबाश, मान्यता को कुछ मत बोलने दो, ना वो अपना मुंह खोलेगी ना किसी को सच पता चलेगा। वक्त आ गया है ना, ये आवाज माउठो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, माँ आगे खोलो, माँ बिच्छेदारी ना आगे ना उठो, माँ मैं बोल रही हूँ उठो, यही पत्थर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, माँ आगे खोलो ना। माँ मेरी तरफ देखो, इधर देखो, माँ आगे खोलो, आगे खोलो, आगे खोलो, माँ मेरी तरफ देखो, मैं हूँ नहीं जान पाई, उसके इतना करीब रह के उसके इरादे नहीं जान पाई माँ, वो निकला था घर से, निकला था आपको मारने, निकला था उस नागमणि को लेने निकला था, मैं देख के अनजान रह गई माँ, मैं नहीं समझ पाई माँ, मुझे माफ कर दो मुझे। अब वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा वृंदा रानी, यही तो मैं चाहती थी कि तुम देव से नफरत करो, दिल से नफरत करो, उसकी अच्छाई से ध्यान हटा के बदले पर ध्यान लगा और उसका फायदा मैं उठाऊं, देव को गुस्सा दिलाऊं और किसी भी तरह नागमणि को हासिल कर लूं।
और देखना, जिस दिन नागमणि मेरे हाथ में आ गई ना, उस दिन लाल टिकड़ी मंदिर का राज भी मेरे पास होगा। वो दिन दूर नहीं है, सब मेरे हाथों में होगा। किस बदलते मौसम को, तेरी तबाही की गवाही है ये देख ले, क्योंकि जब एक नागिन बदला लेती है तो अपने दुश्मन को मिटा के ही रहती है। तू भी मिटेगा, मेरे हाथों मिटेगा, इसी मिट्टी में मिलेगा तू। खत्म कर दूंगी तेरा वजूद। अरे लो, देव आ गया। क्या हुआ बेटा? आकाश बता रहा था कि तुमने हम सबको यहाँ पे एक साथ बुलाया। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हाँ बाप, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हाय राम, अब कौन प्रेग्नेंट हुआ? खेत की। इन सब की बातों को छोड़, बता क्या गुड न्यूज है। मुझे हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा इन्वेस्टर मिल गया। अच्छा, अरे वाह, तो बड़ी अच्छी खबर है। प्राउड ऑफ यू माय सन, प्राउड ऑफ यू। ये सब मेरे बेटे और पोते का कमाल है। मुझे पता था जिस काम में दोनों का हाथ लगेगा वो काम सफल तो होना ही है। क्यों ना हो बा? वाह क्या बात है देव, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। फिर बेटा किसका है? मेरा। अच्छा डैड, एक बार पेपर्स अच्छे से चेक कर लेते हैं, आइए आप मेरे साथ। देव, मैं जब क्या है, अब क्यों चेहरा उतरा हुआ तेरा? अब तो सब सही हो रहा है। हाँ डैड, सब सही हो रहा है, बस वृंदा के साथ भी अपनी लाइफ को सही करना चाहता हूँ। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। या मुझे मेरी माँ की चिता की कसम है, तुझे तेरी चिता तक पहुंचा के रहूंगी देवपाल। घड़ियां गिन ले अपनी, तेरा दाह संस्कार अब दूर नहीं। बेवकूफ मैं थी, ये जानते हुए कि नयनतारा के खूनी तुम हो, तुम्हें फिर भी एक मौका दिया। सोचा तुम एक अच्छे इंसान हो, सोचा जो मैं सोच रही हूँ वो सब गलत सोच रही हूँ। शायद तुम्हारे सीने में दिल हो, लेकिन नहीं, तुम इंसान की शक्ल में सिर्फ एक शैतान हो। खूनी दरिंदे जिसकी आत्मा तक मर चुकी है, तुझे मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी, एक बार तरस नहीं खाऊंगी। हाँ बेटा, ये उसकी पहली होली है ना, उसे हमारे साथ मनाना चाहिए। हाँ। पा, अरे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसे हमारे साथ होली नहीं मनानी होगी, इसलिए वो नहीं आई। तुम मेरे साथ होली का दहन की पूजा में बैठोगी कि नहीं? पता नहीं ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा। वृंदा का फोन नहीं लग रहा है, मैं उसे देखकर आती हूँ। मुहूर्त का समय बीत रहा है, हमें शुरू करना चाहिए। आप शुरू कीजिए पंडित जी, अगर वो लड़की इतनी लापरवाह हो सकती है तो हम उसकी परवाह क्यों करें। आकूटा भ्यत्रस्ते कृतत्वं होली बालिशे अतस्मं पूजाम्यस्त्रे भूत भूति प्रदायिनिम। इस मंत्र के साथ मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति का वास हो और आप सब हर प्रकार की अमंगल और अनिष्टकारी शक्तियों से बचे रहें। अरे विशाखा, क्या हुआ? आई ओके? वृंदा, क्या हुआ वृंदा को? वृंदा पागल हो गई है, शी इज लॉस्ट इट। देखो, उसने मेरे साथ हाथ अपनाई की, क्योंकि ये फाइल मेरे हाथ लग गई। इसमें उसने तुम्हारे जाली सिग्नेचर्स किए हैं। वो फैक्ट्री के तुम्हारे हिस्से को बेचना चाहती थी पैसों के लिए। तैयार रहना देव पारे,
तुम जैसों को मारने के लिए ये नागिन तुमसे ज्यादा जालिम बनेगी। ये लड़की क्या बोल रही है तू? तू ऐसे कैसे बोल सकती है मेरी वृंदा के बारे में? मेरी वृंदा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बा प्लीज, आपकी वृंदा कैसी है पूरी दुनिया जान चुकी है। कहाँ है वो? मैंने उसे बहुत समझाया कि सब भूल के घर आ जाए, कि देव तुम्हें फॉरगिव कर देगा, सब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो भाग गई, रजत के साथ भाग गई।